लोगों ने अगर इतना प्यार दिया है तो ये मेरे साईं का कर्म है, उनकी जूतियों का तुफैल है, उनके कदमों की धूल की वो कनी है, न जाने कौन से माथे पे लग गई जो मैं भी तर गया। ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूं जो पार करे नैया। मां पार्वती महादेव के दो बेटे, कितने? एक का नाम कार्तिक, दूसरे का नाम श्री गणेश। इसी तरह मुसलमान कल्चर में भी आदम और ईव के दो बेटे, कितने? एक का नाम आबिल, एक का नाम काबिल। दो और दो चार, दिशाएं कितनी हैं? मौसम कितने हैं? चार। और मजहब कितने हैं? दीवारें कितनी हैं? चार। दो और दो चार हो गए, जब चारों मिल गए तो झगड़ा किस बात का भैया? दोनों हाथों पर चाली के साथ आए हैं। चरणों में जन्नत है, माँ के चरणों में जन्नत है, बाप उसका दरवाजा है, बाप उसका दरवाजा है, माँ के चरणों में जन्नत है, बाप उसका दरवाजा है। जन्नत तुझको यहीं मिलेगी, ये मेरा जय गणेश। वन टू थ्री फोर। जिस्म से खून निकलता है तो समझो के जान है, जब जिस्म से खून निकलता है तो समझो के जान है, और जब पान खाते हो तो लाली आती है तो समझो के पान है। ये वो साईं का पान है। बोलो किस किस के चेहरे पे लाली आई है साईं के पान की? दोनों हाथ ऊपर। वन टू थ्री फोर। जय गणेश, जय महादेवा, जय गणेश, जय महादेवा, ओम नमः।
अक्सर लोग हिंदू मुसलमान मुसलमान जब दरगाह में जाते हैं मजार पे, तो जाने के बाद मन्नत मांगते हैं। क्या मांगते हैं? मन्नत। अब मन्नत मांग रहे हैं कैसे? ए मेरे ख्वाजा, ए मेरे दाता, अगर मेरे कारोबार में तरक्की हो गई ना तो मैं तेरे दरबार में सोने का कलश चढ़ाऊंगा। भगवान अल्लाह को लालच दे रहे हैं, अंदाज देखिए। अगर मेरी मुराद पूरी हो गई ना तो मैं सोने का कलश, आप छतर कहते हैं वो कलश कहते हैं, आकार तो एक ही है, नाम बदल दिया। हिंदू मंदिर में जाते हैं, हे मेरी मैया, हे मेरे शनिदेव, हे मेरे साईं, हे मेरे भोले, अगर मेरा ये काम हो गया ना मेरे हनुमान तो मैं तेरे दरबार में मार्बल ही मार्बल बिछवा दूंगा। ये दोनों पहुंच गए शिरडी, तो साईनाथ हर किसी को आंसर का जवाब देते हैं, ये बाबा का काम है। जब ये शिरडी पहुंचे दोनों, तो इन्होंने वही हरकत की जो दरगाह और मंदिर के दरबार में की। वहां जाके दोनों बैठ गए, कहने गए मेरे साईं, ए मेरे दाता, अगर मेरे घर में संतान हो गई ना तो मैं तेरा दरवाजा सोने का बना दूंगा। बाबा मुस्कुराए, दूसरे दिन फिर पहुंच गए, कहने गए साईनाथ, अगर मेरे कारोबार में तरक्की हो गई ना तो शिरडी का जितना मैदान है वहां पर मैं स्टोन लगवा दूंगा। बाबा फिर मुस्कुराए। तीसरे दिन बाबा उसके घर पहुंच गए सपने में, कहने गए ये बता, तू मुझे देने आया है या मुझे लेने आया है? क्या बोले बाबा? तू मुझे देने आया है या मुझसे लेने आया है? दो दफा लालच दिया तूने, अगर ये हो गया तो ये करूंगा, अगर ये हो गया तो ये करूंगा, तो ये बता देने आया है या लेने आया है? कहले बाबा माफ कर दो। कहले का नादान, चाहे वो मंदिर हो या दरगाह हो, किसी भी दरबार में जा, गुरुद्वारे में या चर्च में, ये मत कहना अगर ये हो गया तो ये करूंगा, ये कहना आप तो बहुत कुछ कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कुछ कर सकूं। आए हाय, ये सच्चाई, भगवान और अल्लाह को तुम क्या दोगे, तुम तो खुद उसके भिखारी हो। दोनों हाथों पर, 1 2 3। जानता है, क्योंकि लेना हमारा हक है, अगर पैदा किया है तो देने का हक भी है। क्यों? क्योंकि अगर तुझसे नहीं मांगे तो किससे मांगेंगे? जो कुछ मांगना है हक से मांगो, और जो लोग हक से मांगना चाहते हैं वही दोनों हाथों पर करते हैं। दोनों हाथों पर कोई लाया।